together. आप क्या कर रहे हो? चलिए सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत थैंकफुल हूँ, बहुत धन्यवाद करता हूँ विक्रांत जी का, जिन्होंने एक ऐसा सब्जेक्ट उठाया है जो बहुत ही इमोशनल और करुणा भरी सब्जेक्ट है। और अभी अभी जो माता जी यहाँ पर बोल के गई हैं, मैं उनसे इतना प्रभावित हुआ हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। उनके बाद हमारे पास बोलने के लिए शब्द नहीं है, उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हैं। विक्रांत जी जब ये सब्जेक्ट लेकर मेरे पास आए थे तो मुझे सॉरी टू से मुझे लगा कि ये क्या कर रहे हैं, ऐसा ये सब्जेक्ट कहाँ चलेगा, कौन देखेगा, और मोंटो की पलटन, बच्चे लोग होंगे इसमें कुछ, मैंने भूत अंकल किया था और बच्चों की बहुत सारे सीरियल और फिल्म मैंने किया हुआ है जो कमर्शियल बहुत हिट रहा है और बहुत अच्छा, मतलब उसमें बहुत अच्छा अनुभव मेरा भी था और बच्चों का भी था, दर्शकों का भी था। तो मैं सोच रहा था कि इसमें तो कुछ ऐसा दिख ही नहीं रहा, कहीं कॉमेडी नहीं दिख रही, कहीं कुछ ऐसा लग ही नहीं रहा। लेकिन जब मैं शूटिंग पर गया और जब मैं इनका टेकिंग देखा, इन्होंने जो हमें समझाया और उसके बाद मैं जब प्ले करता था वो कैरेक्टर, तो मुझे धीरे धीरे समझ में आने लगा कि ये एक्चुअल कैरेक्टर क्या है और इनकी जो मेहनत है, ये जो चाहते हैं कि दुनिया को या हमारे कम से कम हमारे भारत के लोगों को जो दिखाना चाहते हैं उसका अगर 10% भी दिखा पाए और लोग देख पाए तो ये फिल्म सफल है, और फिल्म सफल है तो हमारे भारत के पब्लिक, और जैसा कि उन्होंने कहा है कि बच्चों के ऊपर ज़्यादा प्रेशर न बनाए, बच्चों के ऊपर मतलब दिन रात पढ़ाई करो, और बच्चा चाहता कुछ है उसे करवाते कुछ है, बहुत सारा उनके ऊपर बस्ता बोझा लाद दिया जाता है। तो वो सब पेरेंट्स ज़रूर सीखेंगे इस फिल्म से, तो पेरेंट्स को ही नहीं, बच्चों को ही नहीं पूरे परिवार को इस फिल्म को ज़रूर देखना चाहिए। विक्रांत जी ने मेहनत की है, इन्होंने इस फिल्म को लिखा है और बहुत मेहनत किया है इस फिल्म को बनाने के लिए, लेकिन अब जिम्मेदारी होती है हमारे जो भी पब्लिक हैं, जो भारत की जनता है। अब नाम भी है भारत टॉकीज, तो भारत टॉकीज को सब्सक्राइब कीजिए, और बहुत बहुत कम पैसे में, दूसरे चैनल वाले तो ज़्यादा पैसा सब्सक्राइब कर लेते हैं, ये बहुत कम पैसे में है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे सभी दर्शकों से, जो भी मेरे दोस्त हैं उन सभी से, जो नहीं हैं वो उनको मैं दोस्त बनाता हूँ, और आप सबसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि भारत टॉकीज को सब्सक्राइब कीजिए। मोंटो की पलटन, साथ ही ये फिल्म है जिहाद है, एक और ये बच्चे वाली फिल्म है सिर्फ एक बार है, ये फिल्म है जो टीचर के ऊपर फिल्म बनाई है, तो ये सब फिल्म भी आपको देखने को मिलेंगे, और ये सारी की सारी फिल्में आपको शिक्षा देकर जाएगी। सो मैं तो बस हाथ जोड़कर यही विनती करता हूँ आप सभी दर्शकों से कि मोंटो की पलटन को देखने के लिए अगर आपने इस भारत टॉकीज को सब्सक्राइब किया तो साथ में आपको बहुत सारा बहुत कुछ पैकेज मिलने वाला है। मेरा भी एक यूट्यूब चैनल है के गोस्वामी इंटरटेनमेंट, उस पर मैं साइलेंट कॉमेडी बनाता हूँ, वह साइलेंट कॉमेडी अब भारत टॉकीज पर दिखाया जाएगा जिसमें कोई डायलॉग नहीं होता है और बहुत सारे कलाकार नहीं हैं, मैं अकेला हूँ और ये मेरा छोटा बेटा है, मैं और ये और एक दो और कलाकार मिलकर हम लोग ये सीरियल बनाते हैं जिसमें कोई डायलॉग नहीं होता है, बिना डायलॉग का सीरियल है, वो भी भारत टॉकीज पर मौजूद है। बस इतना ही चाहूँगा कि ये लोग बोलते हैं कि दो चार मोदी और हो जाए तो देश का तरक्की हो जाए, मैं बोलता हूँ दो चार विक्रांत मोड़े और हो जाए तो हमारे बच्चों का भविष्य बदल जाए। जो है वो काफ़ी मतलब सेंसेशनल है,
एक्चुअली सबसे मेन चीज़ ये है कि आजकल के सोसाइटी में ना सिर्फ डिप्रेशन की और सुसाइड की बात होती है, लेकिन सुसाइड और डिप्रेशन इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि इस समाज में ना नज़रअंदाज किया जा रहा है। जैसे कि पहले कोई भी इंसान डिप्रेशन से गुजरता है और डिप्रेशन का एक फाइनल स्टेज होता है कि सुसाइडल थॉट्स या वो सुसाइड अटैम्प्ट कर लेता है, लेकिन इसके बहुत पहले बिहेवियर चेंजेस आते हैं हर इंसान के अंदर। या तो वो इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है, या तो बहुत गुस्सा हो जाता है, वह अपने आप को अकेला महसूस करने लगता है, किसी से बात करना बंद कर देता है और अपनी एक दुनिया बना लेता है। लेकिन उसकी शुरुआत जो है ना वो उसके जीवन के चाइल्डहुड से उसका कनेक्शन है बहुत बड़ा। इसका रीज़न ये है ना कि हम यंग होने के बाद में जैसे कि 99.9% इंसानों को प्यार हो जाता है जो बहुत खूबसूरत एहसास है, लेकिन अगर वो प्यार ना मिले तो फिर वो डिप्रेशन में जाता है। फिर उसके बाद में उसका जीवन शुरू होता है, जो फैमिली लाइफ शुरू होती है उसमें भी बहुत सारे अप एंड डाउन्स होते हैं। तो जीवन अप एंड डाउन से भरा हुआ है, लेकिन ये अप एंड डाउन्स को झेलने के लिए, बर्दाश्त करने के लिए हमारा जो मस्तिष्क है वो मेंटली स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। और उसकी शुरुआत जो है हमारे चाइल्डहुड में छुपी हुई है, और इसका जो मेन स्तंभ है वो हमारे टीचर्स और हमारे पेरेंट्स हैं। तो ये मूवी को बनाया जब मैं लिखा गया तो यही चीज़ मैं लोगों को बताना चाहता था कि ब्रेन पॉजिटिव प्रोग्रामिंग, पॉजिटिविटी बोलना कि यार किसी भी सिचुएशन में पॉजिटिव रहो, लेकिन पॉजिटिव करना और बोलना सोचना दोनों में अंतर है। अगर हम पॉजिटिव चीज़ें हमारे हैबिट में लाए तो हमको सोचने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली डेवलप हो गए। अक्सर आप सोचते हो कि यार नेगेटिव मत सोच, पॉजिटिव थिंक, लेकिन पॉजिटिव कैसा होगा जब जीवन में ही नेगेटिव हो रहा है, तो पॉजिटिव सोच कैसा सकता है। इसके लिए हमको हमारे प्रॉब्लम्स को देखने का नज़रिया बदलने की ज़रूरत है, और हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारे हैबिट्स को चेंज करने की ज़रूरत है। ये मुझे ऐसा लगा और इस थॉट के ऊपर मैंने ये फिल्म बनाई, और आज 29 इंटरनेशनल अवार्ड मिल चुके हैं। तो बस यही। तो विक्रांत जी, जब आपने इस मूवी की शुरुआत की, पलटन, तो जिसमें आपने जिस तरह से आपका बिल्कुल सब्जेक्ट बहुत ही अलग था हमारे से, तो आप जब के जी के पास गए होंगे सब्जेक्ट को लेकर, आपके माइंड में कैसे आया, जो एक उनका कैरेक्टर है बहुत ही डिफरेंट कैरेक्टर है जिसमें हम बच्चों को काफी हंसाते हैं, एक फैमिली को हंसाते हैं, तो आपने उनको क्यों चुना, क्योंकि ये सब्जेक्ट अलग था, और किस प्रकार आपने जब अपना प्रोजेक्ट उनके सामने रखा तो उनका क्या रिएक्शन? बहुत ही बहुत अच्छा सवाल है। एक्चुअली यह है कि केके जी का मैं और मेरे बच्चे दोनों भी फैन थे, और मुझे नहीं पता था कि मेरी ज़िंदगी मुझे डायरेक्टर लेवल तक लेके आएगी और मैं कभी फिल्म मेकर भी बनूंगा। तो जब मेरे सबकॉन्शियस माइंड में केके जी का ये इमेज बैठा था तो मैं उनको लेके कुछ फिल्म बनाना ही चाहता था। और जब मैंने फिल्म लिखने की शुरुआत की थी ना, तो मैंने उनका कैरेक्टराइजेशन को ना नज़र में रख के ही उसको लिखा गया था। और जब केके जी के पास मैं गया तो मेरे पास में बजट सबसे मेन चीज़ था, बजट नहीं था मेरे फिल्म का। और जब मैंने ये बोला कि सर बजट का ये इशू है लेकिन मैं इस सब्जेक्ट पे बना रहा हूँ, तो केके जी का मैं बहुत ऋणी रहूँगा आगे भी, चाहे कितना ही बड़ा मैं फिल्म मेकर बन जाऊँ। केके जी ने बोला आपका सब्जेक्ट जो है वो इतना पावरफुल है कि आप पैसा साइड में रहने दीजिए, आप बताइए कि आपकी शूटिंग कभी करनी है। इसके लिए थैंक यू सो मच सर कि आपने मुझे वक्त दिया और मुझे वो रिस्पेक्ट दी। इसी तरीके से ये इस फिल्म को बनाया गया है। यह है कि अवार्ड्स बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं एक फिल्म मेकर के लिए। हम लोग ने जब फिल्म बनाई थी तो हमने तो ये सोचा था कि कोई भी एक अवार्ड अगर हमें मिल जाए तो हम इसको फिल्म को प्रमोट करने में या लोगों तक पहुंचाने में बहुत इजी हो जाएगा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये इंटरनेशनल लेवल पे इतने सारे इसको अवार्ड्स मिल जाएंगे। तो एक फिल्म मेकर के लिए, एक आर्टिस्ट के लिए और फिल्म से जुड़ी हुई पूरी टीम के लिए ये बहुत ही प्राउड फील होता है कि हमारी मेहनत, इतने सालों की जो मेहनत है, फ्लोर पे जाने के बाद में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में इसको सराहा जाता है। तो मैं थैंक यू सारे फिल्म फेस्टिवल्स का, मेरे सारे आर्टिस्ट, मेरे सारे टीम का, जिन्होंने सपोर्ट नहीं करते तो शायद मैं यहाँ पे नहीं पहुँच पाता, और स्पेशली डॉक्टर्स की टीम। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल लास्टली ये है कि शुरुआत करें मल्टी प्लेटफॉर्म का पार्ट, तो अभी इसका भी आपको मालूम है कि इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग जो है उसके अधीन आने वाला है, जहाँ की लिमिटेशन से उसका बताइए, आप एक सोशल सिनेमा दिखाने वाले हैं तो जो लोग नहीं दिखा रहे, नहीं दिखाना चाह रहे, उनके लिए कितना बेहतर होगा? फिर से थैंक यू सो मच कहना चाहूँगा इस सवाल के लिए।
एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि जो एंटरटेनमेंट जो सिनेमा है वो एक ऐसा माध्यम है जिसके अंदर दो ही बातें होनी चाहिए, एक तो फैमिली एंटरटेनमेंट हो कि फैमिली के साथ में बैठ के एंटरटेन कर सके, क्योंकि जहाँ पे हम एक ऐसा सिनेमा बनाते हैं जहाँ पे हम फैमिली चद्दर के अंदर फिल्में देखते हैं या तो हम अकेले फिल्में देखते हैं, तो वहाँ पे फैमिली यूनिटी ख़त्म हो जाती है और हम जो जीवन जीते हैं फैमिली के साथ जीते हैं। तो सिनेमा एक माध्यम है जहाँ पे फैमिली एंटरटेनमेंट होना चाहिए ताकि हम हमारे माइंड को रिलैक्स कर पाए फैमिली के साथ में। और अभी जिस प्रकार का ज़्यादातर सिनेमा बन रहा है तो मुझे नहीं लगता कि हम फैमिली के साथ बैठ के हमारे बच्चों के साथ इन्वॉल्व होकर इसको देख पाते हैं, एक। दूसरी तरफ है कि समाज की वो पीड़ा यानी सोशल अवेयरनेस, तो मुझे लगता है कि समाज की पीड़ा को लोगों तक पहुँचाने का ये सबसे बेस्ट माध्यम है सिनेमा। तो मुझे लगता है ये दो ही कंटेंट होना चाहिए, या तो फैमिली एंटरटेनमेंट होना चाहिए या तो सामाजिक मुद्दे पर फिल्म बनना चाहिए ताकि समाज कुछ ले सके सोल्यूशन के साथ में, और एक हम ये दुनिया छोड़ने के जाने के पहले कुछ ऐसी फिल्में बना पाए जिस फिल्मों को देख के हमारी आने वाली पीढ़ी इंस्पायर हो पाए। इसके लिए भारत टॉकीज पे जितने भी फिल्म मेकर्स जुड़े हुए हैं, जैसे कि बालपन है, ऑन द वे है, बस एक बार है, जिहाद है, डॉक्टर नाम्बियार, जितने भी फिल्में आ रही है, हम ऐसे फिल्मों को भारत टॉकीज पे ले रहे हैं जो अवार्ड ले चुकी है या तो किसी न किसी सोशल मुद्दे पे है। तो विक्रांत जी, जब आपने शुरुआत की होगी भारत टॉकीज की, आपका सोशल एक मूवी थी, तो आपने सोचा है या तो ये हिट होगी या तो फ्लॉप होगी, लेकिन जो लोगों का प्यार मिला है आपकी फिल्में जब सामने आई है, और सबसे मेन है कि पेरेंट्स इसे काफी प्यार दे रहे हैं, तो ये आपके लिए कितना आपको एक एनर्जी आपके अंदर देती है कि इस तरह की फिल्में मैं और आगे बढ़ाता रहूं। हाँ, देखिए कि जब भी कोई आप अच्छा काम करते हो और अगर आपने पहले ही आपके माइंड को ये कमांड दे दिया कि ये मैं जो कर रहा हूँ ये सक्सेस हो पाएगा, लोगों तक पहुँच पाएगा या नहीं पहुँच पाएगा, तो इसका जवाब यह है कि नहीं पहुँच पाएगा। इसके लिए नहीं पहुँच पाया क्योंकि आपने आपकी जो शुरुआत है अगर एक इंसान तक भी पहुँच जाती है तो आप हिस्ट्री निकाल के देख लो, आज 135 करोड़ की आबादी में कुछ चुनिंदा भगवान ही रूल कर रहे हैं। एक ही यीशु ख्रिस्त है, एक ही सिद्धार्थ गौतम है, एक ही गुरु नानक है, और एक ही इंसान पूरे कायनात को रूल कर रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे दिमाग में एक अच्छी सोच है तो हमको उसको रिएक्ट करना ज़रूरी है। लोग रिस्पॉन्ड क्या करेंगे ये मुझे लगता है वक्त के ऊपर छोड़ना चाहिए, इसलिए मैंने कभी भी नेगेटिव सोचा ही नहीं है। बस ये समाज की पीड़ा है और ये मेरे पास में माध्यम मिला है, ये कैमरा, और ये मेरे पास में ऑडियंस है, और मैं इसको पहुंचाने की मेरी आखिरी सांस तक कोशिश करूंगा। केके जी, मेरा सवाल आपसे है, बच्चों के रोल मॉडल हैं आप, चाहे फिल्म हो चाहे टीवी सीरियल हो, जब भी बच्चों को गुदगुदाने की बात आती है तो आपको याद किया जाता है, क्या कोई ऐसा किरदार भी रह गया है जो बच्चों को आप उसमें कहना चाहते हैं, जो बस ये मॉन्टो की पलटन जो है ये फिल्म सक्सेस हो जाए और इसके बाद मॉन्टो की पलटन दूसरी भी ला रहे हैं ये। अच्छा। सर और पार्ट टू भी आ रही है, तो इस तरह के सब्जेक्ट जब भी आते हैं तो एक अलग ही जिज्ञासा हो जाती है, काम करने का मन करता है। बाकी जो सीरियल मैं करता हूँ, फिल्में करता हूँ, कमर्शियल करना पड़ता है, पापी पेट का सवाल है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हमारे विक्रांत जी और मैडम के जैसे लोग आ जाएं, मैं तो उनका पैर छूना चाहता हूँ, कि ऐसे लोग अगर इंडस्ट्री में आते हैं तो पेरेंट्स को शिक्षा मिलती है, पेरेंट्स अपने बच्चों को सिखाएंगे और फिर वो बच्चा कल का पेरेंट्स बनेगा, तो आगे आने वाला भविष्य हमारे भारत का सुधरेगा। मैं ये फिल्म से स्कूल नहीं खोल रहा हूँ, लोगों को नहीं कि ऐसा आकर के हमारे यहाँ पढ़ाई करो, पढ़ाई के साथ साथ एंटरटेनमेंट भी है, एंटरटेनमेंट के साथ साथ पढ़ाई भी है। भारत के ऑडियंस को, हमारे सभी दोस्तों को, सभी दर्शकों को ऐसी फिल्मों को ज़रूर देखना चाहिए और ऐसे फिल्मों को बढ़ावा ज़रूर देना चाहिए। दया सर जो CID में काम करते हैं उन्होंने बहुत सारी शुभकामनाएं भेजी इनके लिए, अभिजीत सर ने भेजा है, साटम साहब ने भेजा है इनके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, बप्पी लहरी दादा ने भेजा है शुभकामनाएं, लता दीदी, लता मंगेशकर जी, क्योंकि
उम्र भी उनका हो चुका है और इस कोरोना काल में बहुत सारा, लेकिन फ़ोन पर उन्होंने भी बोला कि बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। सो सभी लोगों की शुभकामनाएं हैं। अब आप लोगों का ये जो आप लोग थोड़ा मेहनत कर दीजिए, इस फिल्म को चला दीजिए, और जो हमारे ऑडियंस है, ऑडियंस देख लीजिए, भले ही आप लोग कितना भी एंटरटेन हो जाओ, भले ही वो एक फिल्म आई थी विद्या बालन जी की, वो क्या था जिसमें वो विद्या बालन जी की एक फिल्म आई थी, उसमें बहुत कमर्शियल फिल्म थी, नहीं एक और थी उसमें दूसरी बहुत पहले जो भी कोई भी थी, हाँ ठीक है। मैं तो ये बात ये बोलना चाहता था कि वैसी फिल्में बहुत अच्छी अच्छी आती हैं जो आप हिट कर देते हैं, सलमान खान की फिल्में हिट करते हैं, आपको कमर्शियल के साथ साथ ऐसे सब्जेक्ट को भी देखना चाहिए, ऑडियंस को ऐसे सब्जेक्ट को भी देखना चाहिए, न कि हर जगह नाच गाना से काम नहीं चलता है, हर जगह वो बॉडी मैं हूँ हुड़ हुड़ दबंग दबंग, तो दबंग दबंग से भी थोड़ा बाहर आइए, क्योंकि आपका जो दबंग आएगा इस दबंग को आप क्या दिखाओगे, इस दबंग के लिए कुछ तो कर जाओ। तो इस दबंग के लिए विक्रांत जी ने ये शुरुआत की है, तो मैं तो बस इतना ही चाहूँगा कि आप लोग मेहनत कीजिए, आप लोग भी मीडिया का भी काम है, आप लोग भी सहयोग दीजिए इस फिल्म को, और इस फिल्म को हिट कराइए, सभी लोग अपने अपने स्तर से इस फिल्म को देखिए भी। आप लोगों को भी कसम है अभी जाकर आप सब को कसम है अभी जाकर भारत टॉकीज को डाउनलोड कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और इस फिल्म को आज रात में देखिए, और उस पर कमेंट लिखिए कि हाँ आपको अच्छी लगी या नहीं लगी। आपको अच्छी नहीं लगती है आप लिखिए उस पर कि मुझे अच्छी नहीं लगी। तो हर किसी का फ़र्ज बनता है, यहाँ आते हैं बड़े बड़े स्टेज पर जाते हैं, हम लोग बहुत बड़े बड़े भाषण देते हैं और अपने घर पे जाकर चादर में सो जाते हैं, तो वो भाषण देना से अच्छा है थोड़ा सा कुछ नहीं 200 का 100 का सब्सक्राइब करके और इस फिल्म को देख ₹49 लीजिए, अभी 49 का हो गया है, तो 49 का सब्सक्राइब करके इन फिल्मों को देखिए और बढ़ावा दीजिए। थैंक यू सो मच। मैं आप सबके सामने मैं उनका पैर छूना चाहता हूँ, ऐसी देवी का, कि इन्होंने इतनी अच्छी अच्छी बातें कही हैं, ऐसे लोग होने चाहिए, ऐसे माँ होने चाहिए और ऐसे डायरेक्टर होने चाहिए जिनकी सोच इतनी अच्छी है। नमस्कार, पहले तो मैं, मेरा नाम आर्य प्रिय है और ये मेरी खुशनसीबी है कि मैंने इस फिल्म में काम किया है और विक्रांत सर ने मुझे चांस दिया है। इसके पहले जब मेरे इनसे बात हुई थी तो इन्होंने जब फिल्म के बारे में मुझे बताया था कि ये बच्चों के सब्जेक्ट के ऊपर, उनके मसलों के ऊपर है, तो मैं एक्साइटेड हो गया था कि आई वांट टू डू। और जब मैंने फिल्म की और जब कहानी पढ़ी, स्क्रिप्ट पढ़ी, तो मैं एकदम चौंक सा गया कि अरे एकदम नई तरह की कहानी, और बच्चों के जो प्रॉब्लम्स हैं, पॉजिटिव ब्रेन प्रोग्रामिंग के बारे में इन्होंने जो बताया है और एक नए तरह का काम इन्होंने शुरू किया है। तो मेरी ये गुजारिश है सबसे कि आप सब लोग देखें और अपने बच्चों को, अपने परिवार के लोगों को दिखाएं, क्योंकि ऐसी फिल्में अब कम बन रही हैं, और जो हम अपने बच्चों को क्या देंगे, जो अगले आने वाली जो हमारी पीढ़ी है उनको हम क्या सिखाएंगे। हम जैसे अमूमन होता क्या है कि फादर मदर अपने बच्चों पर अपनी ख्वाहिशें डालते हैं और चाहते हैं कि जो वो खुद न कर पाए ज़िंदगी में वो बच्चे करें, लेकिन उनकी भी ख्वाहिशें होती हैं, वो भी, उनमें भी कुछ हुनर होता है, वो भी कुछ सपने देखते हैं, तो उनको वो ध्यान में रखे और उस ढंग से वो आगे उनको ग्रूम करें, बढ़ाएं। जैसे मेरी एक भूमिका थी कि मैं एक ऐसा फादर हूँ जो शराब पीता हूँ, बच्चे के साथ मिसबिहेव करता हूँ, मेरी जो बीवी का रोल किया है खुशी जी, उनके साथ भी मैं अच्छा बिहेव नहीं करता हूँ, तो ये सब चीज़ें बड़ी दुखद है और बाद में मैं रिपेंट भी करता हूँ। तो विक्रांत सर ने जो कहानी लिखी है एकदम बेहतरीन है और मैं शुक्रगुजार हूँ वो भारत, क्या नाम, भारत टॉकीज़ का, जिन्होंने मुझे चांस दिया, और आप सबसे गुजारिश है कि भारत टॉकीज़ को आप ज़रूर डाउनलोड करें, सब्सक्राइब करें और बेहतरीन मूवीज़ को देखें। मुझे गर्व है कि मोंटू की पलटन 29 इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड उसने जीता है, तो ये मेरे लिए बहुत
फख्र और गर्व की बात है। मैम, योर इंट्रोडक्शन और बताइए क्या कहते हैं मॉन्टो के बटन के बारे में और सर के बारे में, कांच के बारे में जानी है प्रोजेक्ट में। सर विक्रांत जी, ही इज़ अ वेरी टैलेंटेड डायरेक्टर एंड मंटो के पलटन जो मूवी है उसमें जो इंडियन कल्चर है, जो मीन्स बचपन से हमें सिर्फ मतलब स्कूल में डाल दिया जाता है और ये बोला जाता है कि मार्क्स इतना ही आना चाहिए, इतना ही वो होना चाहिए, बट दूसरा कोई एडुकेशन अदर्स एक्टिविटीज़ वो सब गार्जियन फॉलो नहीं करते। सॉरी टू से आई एम फ्रॉम कायरो, सो मेरी हिंदी थोड़ा सा ख़राब है, प्लीज़ एडजस्ट। सो जो है जैसे कि इन्होंने जैसे बोला कि मम्मी पापा जो चाहते हैं कि मैं डॉक्टर नहीं बना तो मेरा बच्चा बड़ा होकर डॉक्टर ही बनना चाहिए, बट बच्चों का भी एवरी इंडिविजुअल इज़ डिफरेंट, सो सबका अलग अलग ख्वाहिश है, सबका इच्छा अलग होता है। बच्चे सोच रहा होगा मुझे क्रिकेटर बनना है, मुझे सचिन जैसा बनना है, बट उसको थोप दिया जाता है कि नहीं आपको डॉक्टर बनना पड़ेगा या तो टीचर बनना पड़ेगा या इंजीनियर। एंड देन जैसे घर पे अगर माहौल जो होता है वो सही नहीं होने से समहाउ कहीं ना कहीं बच्चों का जो दिमाग में असर पड़ता है बड़े होके, वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो जाता है। सो इन फ्यूचर जब वो काम करने जाता है या तो बाहर जाता है तब उसको डिफ़िकल्टीज़ बहुत काफ़ी फेस करना पड़ता है। सो ऐसी मूवियों से गार्जियन को, बच्चों को, सबको, हमारे समाज को बहुत सीख मिलता है। विक्रम सर के बारे में जितना कहूँ उतना कम है, और जो ये फिल्म है मोंटो के पलटन, इससे पहले भी हमने बच्चों के ऊपर एक फिल्म बना चुके हैं और इनको मैंने प्रॉमिस किया है कि जब तक आप बच्चों के ऊपर फिल्म बनाएंगे तब तक मैं आपके साथ जुड़ा रहूँगा। और बाकी बोलने के लिए तो बहुत लोगों ने बोला, तो वही रीज़न है कि बच्चों के ऊपर खास मतलब इंडिया में काम करने वाले बहुत कम लोग हैं इनके जैसे, जो मेरे ख्याल से 5-6 साल से उसी विषय के ऊपर लगे हुए हैं। तो एज ए प्रोड्यूसर आप बहुत भरोसा करते हैं विक्रांत जी पे, और प्रोड्यूसर का मकसद भी होता है कि जो पैसा लगे वो रिटर्न आए, तो उसके बारे में भरोसे की बात करते हो तो ये तो इनको ही पूछना पड़ेगा, क्योंकि मैं इनको कोई मतलब कोई क्वेश्चन करता ही नहीं हूँ, और मैं फिल्मी दुनिया का आदमी हूँ नहीं। पहली बात दो, जो अच्छा विषय लेकर आते हैं समाज के लिए तो हर आदमी का एक कर्तव्य होता है कि जो अच्छा कर रहा है उसको खुद न कर सके तो दूसरे को सपोर्ट करें, तो मैं वही कर रहा हूँ इनके साथ, और ये निरंतर आगे तक चलता रहेगा। हाँ, वैसे तो हमने ये नक्की किया कि लाइफ टाइम चलता ही रहेगा, जब तक ये बच्चों के ऊपर काम करते रहेंगे तब तक हम लोग साथ ही में रहेंगे। विक्रांत जी, आप क्या कहना चाहेंगे प्रोड्यूसर के बारे में, ऐसे प्रोड्यूसर सबको मिले तो सबका पहली तो यह कि एक नॉन फिल्मी इंसान होने के बावजूद उन्होंने मेरे पे जो विश्वास रखा, ये विश्वास सही में 2020 के युग में, आधुनिक युग में बहुत ही अलग सा मुझे महसूस हुआ कि एक इंसान जो लाखों रुपया प्रोजेक्ट पे लगाने के बाद एक सवाल भी नहीं पूछता और वो सिर्फ इस मुद्दे से जुड़ा हुआ है, और लगातार मेरी तीनों फिल्में में हमेशा से ही एसोसिएट प्रोड्यूसर रहे हैं वो, और जब भी इन्होंने जो भी पैसे लगाए कभी भी मुझे एक भी सवाल नहीं किया। मैं ये चाहता हूँ कि इनके जैसे प्रोड्यूसर्स और पूरे हिंदुस्तान में से आगे आए और मेरे जैसे जो सामाजिक मुद्दे पे कुछ करना चाहते हैं उनके लिए कनेक्ट करें, क्योंकि जितने आप दान धर्म और जगह पे करते हो तो मुझे लगता है समाज के लिए आप रिटर्न दे पाओ तो ये बहुत ही अच्छी बात होगी। सर के साथ काम करने का एक्सपीरियंस हमेशा से अच्छा रहा है, क्योंकि सर का जो सोच है वो बेसिकली हमारे सोसाइटी में ऐसे बहुत कम ही लोग हैं जो ऐसी सोच रखते हैं, सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते हैं और जो एक्चुअली करते हैं विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। तो सर का ये एक मॉड्यूल सा बन गया है कि वो जो भी चीज़ करते हैं, जो भी फिल्में बनाती हैं, फिर उन्होंने जो भारत टॉकीज़ भी हमने जो ओपन किया है उसमें भी हम ऐसी ही मूवी ले रहे हैं जो जो हमारी सोसाइटी को कुछ मैसेज दे रहा है, और हम ये बस थैंक यू। विकास जी कुछ कहना चाहेंगे आखिरी में, चलते चलते कुछ शेयर करना चाहेंगे, कैसा रहा एक्सपीरियंस, कैसा रहा जर्नी इस मोंटो के फल्टन के, बच्चों को हैंडल करना बड़ा मुश्किल है, आपके बच्चे नहीं है मेरे ख्याल से, और क्या है
है ना, दो मोंटो की मोंटो की पलटन की जो जर्नी है वो बहुत ही धमाकेदार, बहुत ही अलग सा एक्सपीरियंस रहा मेरे लिए। खास करके पंकज बेरी सर जो तेलानी रामन में एक बहुत ही अच्छा किरदार कर रहे हैं, वो अभी शूटिंग पे ही है इसलिए वो पहुंच नहीं पाए, तो मैं उनको बहुत मिस कर रहा हूँ क्योंकि हर जगह अवार्ड लेने के लिए हमेशा मेरे साथ में रहे हैं, लेकिन प्रमोशन में वो अक्सर उनके शूटिंग कोइंसिडेंस से नहीं पहुंच पाते हैं। तो सबसे पहले आते केके जी और पंकज बेरी सर के साथ में मेरा सफ़र बहुत ही अच्छा रहा, और रहा सवाल एक सेटिस्फेक्शन लेवल बहुत ही है मेरे दिल में कि मैं बच्चों के लिए कुछ कर पा रहा हूँ, और ये जो करने की जो क्रिया के अंदर इस सफ़र के अंदर जो मुझे मज़ा आ रहा है ना, वो एक अपने आप में बहुत ही पॉजिटिविटी है। और जितने भी लोग मेरे से टकरा रहे हैं, चाहे मीडिया के माध्यम से हो, चाहे वो शूटिंग हो, स्पॉट बॉय हो, हर तरीके से, तो मैं बच्चों के ऊपर जो टिप्स है, मेरी चीज़ें हैं, मैं उन तक पहुँचाते रहता हूँ, और एक मुझे बहुत ही पावरफुल माध्यम मिला है, इसको मैं जो उसको छोड़ूंगा नहीं मैं अभी। एक सवाल और आखिरी, चलते चलते जैसे प्रिया ने पूछी थी कि कहाँ भी ये शूटिंग कहाँ पे आपने किया, उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी। ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि एक तो हमको कि मैंने कहानी पढ़ी थी बचपन में विक्रम वेताल, और मेरे को जंगल में कोई फिल्म बनानी थी, और उस जंगल में जब हम लोग ने सर्वे करके हम लोग ने एक एऊर का जंगल मिला, लेकिन वहाँ पे हमको सबसे बड़ी टफ काम ये था कि वहाँ पे शेर थे, वो भी खुले, और उस कंडीशन में दिन में भी शेर आ जाते थे वहाँ पे, और बच्चों के लिए क्या काम करना, और केके जी भी उन बच्चों के अंदर पूरा शामिल हो जाते थे। अब क्या होता था कि हमारे सुबह 5 बजे की शिफ्ट रखती थी, और वहाँ पे फॉरेस्ट गार्ड्स लोग ने हमको बोला था कि आप यहाँ पे 5 बजे के साथ रह नहीं सकते हो, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे हादसे होते हैं। और हम 5 बजे जब पहुँच जाते थे बहुत सारे सीन्स में, जैसे एक सीन सुनाता हूँ कि हम लोग शूटिंग कर रहे हैं और ये लोग बैठे हुए केके जी झाड़ पे चढ़े हुए, और मैं एक्शन बोल रहा हूँ और कोई रिएक्शन ही नहीं दे रहा, और मुझे नहीं समझ में आ रहा कि बच्चों को वो शेर दिख रहा है, मुझे तो नहीं दिख रहा था, और सारे पूरे सब स्तब्ध है। और फिर उसके बाद में अचानक में 8-10 शेर पीछे आ गए, और शूटिंग को बंद करना पड़ा। फिर हम लोग को मैं थैंक्स हूँ मुंबई पुलिस का, जिन्होंने फिर मुझे पुलिस प्रोटेक्शन दिया, क्योंकि ये सब्जेक्ट बहुत अच्छा था। जैसे हमारे ATS चीफ जो ताज के हमले में थे, निवृत्ति कदम सर, उन्होंने मुझे बहुत ही हेल्प किया, वो खुद अवेलेबल भी थे वहाँ पे, और इस सब्जेक्ट को रुकावट कहीं पे ना हो इसलिए पुलिस फोर्स दी गई मुंबई पुलिस ने, और हम लोग ने पूरे प्रोटेक्शन के साथ में उस जंगल में इस फिल्म को शूट किया, जो आप जब इसको फिल्म को देखोगे तो आपको बहुत ही मज़ेदार एक विक्रम वेताल वाला जो टेस्ट है वो आपको मिलेगा। और वेताल कौन है, विक्रम कौन है, उसके लिए आपको पिक्चर देखनी पड़ेगी, और एक नया टेस्ट आपको मिलेगा इस फिल्म के अंदर। पहले तो बैड मोमेंट के बारे में बताता हूँ। बैड मोमेंट ये था कि हमारे पास में टाइम का शॉर्टेज था, क्योंकि सूरज ढलने के पहले हमको शूटिंग करना था, टाइम कम था, केके सर के पास में डेट लॉक थी, और कोइंसिडेंस ये होता था मेरे डेट को जब शूटिंग होती थी सर की शूटिंग डन हो जाती थी, और मैं सर को बोलता था प्लीज़ सर आज कैंसिल मत करो, और उनकी शूटिंग कैंसिल हो जाती थी, तो बोलते थे विक्रांत जी आपके लिए तो मैं फ्री में शूटिंग कर रहा हूँ, मेरे को जो पेड है वो मेरी शूटिंग कैंसिल हो जा रही है, आपके चक्कर मेरा लॉस हो रहा है। मतलब सर ब्लेसिंग में काउंट करो आप पैसे को, पैसे में मत काउंट करो, इसलिए थैंक यू सर आपने सपोर्ट किया। और तो इसके अंदर सब अच्छी ही जर्नी है, अच्छी ही मोमेंट है, अच्छी ही यादें हैं। बस एक जो बैड मोमेंट है मेरे साथ में वो हुआ, मैं बहुत ही सैड फील करता हूँ कि मेरी जितने भी कास्ट क्रू, मेरी सेटिंग डिपार्टमेंट है, शूटिंग के अभाव से हम लोग लंच ब्रेक टाइम पर नहीं कर पाते थे, हम लोग नाश्ते का स्नैक्स का ब्रेक नहीं कर पाते थे, तो खाने पीने की बहुत ही प्रॉब्लम्स होती थी, जंगल में खाना लेके जाना और ब्रेक नहीं कर पाते थे, तो सारे टीम ने मुझे ये सपोर्ट किया कि सर आप पिक्चर को कम्प्लीट करो, और ब्रेक हम 1 बजे का ब्रेक कभी 3 बजे करते, कभी कभी हम लोग ने ब्रेक ना करते हुए भी हम लोग ने दोपहर का खाना डायरेक्टली रात में 7 बजे खाना खाया है। इसलिए मैं बहुत ही थैंक्स हूँ मेरे सारे क्रू मेंबर, मेरे सारे आर्टिस्टों का, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, बिना खाने के आपने शूटिंग किया। लॉकडाउन
जैसे कि एम आई भारत टॉकीज़ OTT प्लेटफॉर्म जो हम लोग ने लॉन्च किया है, जिसमें सामाजिक मुद्दे पर ही फिल्में बनी है, तो लॉकडाउन के अंदर ही, लॉकडाउन के ऊपर ही काफ़ी फिल्में फिल्म मेकर ने बनाई है जो भारत टॉकीज़ पर दिखाई जा रही है। भारत टॉकीज़ का आइडिया भी लॉकडाउन में ही आया हमें। राइट, भारत टॉकीज़ का आइडिया भी जो है ना, ये लॉकडाउन हम सारे ह्यूमैनिटी के लिए एक बहुत बड़ा सबक रहा, क्योंकि हमको अपने आप से मिलने का मौका मिला, क्योंकि हम अपने भागदौड़ में इतने भाग रहे हैं कि हम अपने आप से मिल नहीं पा रहे, हम लोगों से मिल रहे हैं। और अपने आप से मुलाकात हुई लॉकडाउन में, और अंदर की जो क्रिएटिविटी है, अंदर जो इंसान छुपा हुआ है वो बाहर निकल पाया। तो इस कोरोना काल में एक चीज़ें सिखा दी कि जीवन बहुत ही क्षणिक है, कुछ सेकंड्स का है। हम इस पल में है तो शायद अगले पल में नहीं है, लेकिन हम अगले पल में नहीं है फिर भी हम है। इसको करने के लिए हमको बहुत सारी चीज़ें करनी बाकी है। तो मुझे लगता है हर एक इंसान ने अपने अपने लेवल पे जो भी समाज के लिए कर सकते हैं वो करना चाहिए। थैंक यू सो मच। कैन आई स्टार्ट? आई एम सुनील गोलवलकर, प्रोड्यूसर डायरेक्टर राइटर एंड कास्टिंग डायरेक्टर ऑफ द शॉर्ट फिल्म सिर्फ एक बार। सिर्फ एक बार इज़ द मूवी ऑन चाइल्ड लेबर एंड इट इज़ 15 मिनट्स मूवी, ए ग्रेट सब्जेक्ट एंड ए मैसेज टू द पब्लिक। एंड द मूवी इफ यू स्टार्ट देन टिल एंड यू विल नॉट गेट बोर्ड एट ऑल। आई हैव शोन दिस मूवी टू मैनी टीनेजर्स ऑल्सो एंड दे ऑल्सो लाइक द मूवी एंड they said it's a really great subject and we have learned something from the movie. So better if you watch the movie, you will come to know what I wanted to say. A very touching subject, and I am really very much thankful to Mr. More and Bharat Talkies that they have selected our movie and they are going to show it in their OTT platform. And it is really a great pleasure for us that Bharat Talkies has selected the movie, and we would definitely would like to wish a great success in this corona period in Bharat Talkies. That's all. My name is Pratik Prajosh. I'm a film director, and I've directed this film and produced this film. This is Nambiar. It's a short documentary. It's a documentary film on a teacher who is about 95 years old and still continues to go to school. And she's been a teacher for over 70 years. And the film kind of chronicles her life and talks about the impact that she's had on education and the students that she's taught. Well, it was definitely a very inspiring subject to make a film on, and considering that teachers don't get enough credit in our society and in India, I thought a film of this sort of importance was required to be made. And I'm very grateful and very happy with the positive impact that it's had. And you know, a platform like Bharat Talkies, well, this is an added surprise that has come up, because I had just submitted it to a film festival, and then with the kind of recognition that it's got, with a couple of entries into various film festivals around the world, and you know, winning in a couple of festivals, has been very heartening to know. And to also, on top of that, getting shortlisted for this Bharat Talkies is a very encouraging thing for a lot of filmmakers, because when I heard from Vikrant that that there's an initiative on you know, social awareness, and around that films are being centered, I thought that was a very interesting initiative, and happy to support the cause. And yeah, that's all. Thank you. हाँ, मैं शुरुआत विक्रांत सर के साथ करूँगा। मैंने एक कॉम्पिटिशन किया था, मोनो एक्ट कॉम्पिटिशन किया था। उस वक्त उधर विक्रांत सर जज थे, तो उस वक्त क्या हुआ कि विक्रांत सर ने
मुझे सिलेक्ट किया था, मतलब हमारे भारत टॉकीज़ के लिए। तो उसके बाद तुरंत लॉकडाउन लगा, कोरोना की वजह से कुछ हो नहीं पाया। उसके बाद लॉकडाउन खुला और मैंने ये मेरी बालपन शॉर्ट फिल्म बनाई थी, तो विक्रम सर ने कांटेक्ट किया था कि तुमने बनाया क्या, वो सब चर्चा हो गया। और उसके बाद विक्रम सर ने मुझे चांस दिया कि इधर भारत टॉकीज़ में मुझे आने का चांस दिया। अभी मैं फ़िलहाल मेरे फिल्म के बारे में बताना चाहता हूँ। देखिए, एक जनरेशन की एक जिम्मेदारी होती है कि वो अगली जनरेशन को कुछ दे, तो उसकी अगली जनरेशन की एक जिम्मेदारी होती है कि वो अगली जनरेशन को कुछ दे। मेरा कंसेप्ट ऐसा है कि बचपन के खेल, वो बचपन और आज हम, एक ज़माना ऐसा, एक वो दौर था उस वक्त की, उस बचपन के खेल में बचपन गुजर जाता था, पर आज के दिनों में जब हम मोबाइल में आते हैं तो आज के खेलों में बचपन ख़त्म होता जा रहा है। एक ये बताना चाहता था। और दूसरा ये कि इंसान बड़ा हो गया है, आई एक्सेप्ट, मतलब हर कोई बचपन था, हर कोई बच्चा था, पर आज एक कंडीशन पे आके हर कोई बड़ा हो गया है। और आज किसी को पूछा कि आपका फेवरेट, अब आप बताइए कि आपका फेवरेट गेम कौन सा है, तो एक स्माइल आती है, बचपन में आप कौन सा गेम खेलते थे, तो एक स्माइल के साथ आप बोलते थे कि हाँ यार मज़ा आता था उस वक्त, पर अब क्या हो गया है। इस सेंटेंस को हम, मॉरल डाउन हो जाता है। तो मुझे ये बताना था लोगों को कि हम मिट्टी से निकले और अंगूठे पर आ गए। मैं ये नहीं कहना चाहूँगा कि टेक्नोलॉजी आ गई तो हमें टेक्नोलॉजी के साथ बदलना चाहिए, पर फीलिंग्स, इमोशंस, कुछ अटैचमेंट, कुछ मेमोरीज, ये भी मायने रखते हैं ना। तो मुझे मेरी फिल्म के साथ, मतलब मेरे टीम मेंबर्स मनविता जाधव, ऋतिक जाधव, गणेश राठौड़ और भी मेंबर्स हैं, हमने मिलकर ये सोचा था। और मेरी बहन भाग्यश्री विभार ये इधर है, मैं आज ही, उसने भी बहुत सपोर्ट किया। और मेरी माँ स्पेशली, वो हमेशा एक्साइटेड रहती है। तो भारत टॉकीज़ का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे चांस दिया इधर आने का। और मेरा स्पेशली एक दिल में है कि सोसाइटी में कुछ अच्छे कंटेंट जाने चाहिए, तो मैंने शुरुआत किया था बालपन से। दैट्स इट, थैंक यू। Children are born in a house with parents, so it becomes parents' duty to bring up the child, putting, inculcating all possible good things, which is positive. And no parent can teach something which is negative to it. No parent does that. No mother, no father does that, right? So every child has been taught good things at home. So when he is put in the school, nowadays the children are very, very early they are put, not at all necessary. If the parent is educated, why can't you educate your child till 6 years? Today even in foreign countries, 6 years is a time to go to the school for the child. You put a child at 1.5, 2, 2.5, what nonsense. At least 3 years you have to remain with your child, because whatever you inculcate into the child up till you are, the child is 3, whether it is a boy or girl, no matter what sex, the child learns out of all this. Mother teaches this, she learns. Father teaches this, she learns. Any elders at home, she learns. She or he does learn. And that is registered in the mind. Like your mobile. Okay. So, this culture, this is beautiful culture inculcated by your parents. The same thing, I am a mother and a teacher and a grandmother, okay. I am a teacher, I've spent my more than 25 years. I think in Mumbai there is not a school where I have not worked. As a temporary teacher, obviously, because of my age. So, If there are about 70 students, every child is brilliant by its own. You cannot brand a child, oh, he's a slow learner, he's a dud, he's too intelligent, he's brilliant. You have no right to judge such, pass such comments on any child for that matter. Okay, because every child is got some talent or the other, or some potentiality in the child, which has to be looked into. If the child has been looked into at home, fine. You can just develop the child.
If you give a child a pencil and a book, plain book, it goes on drawing. And when it draws, a child who draws circle, they say the child is very intelligent. Because to draw a circle is not easy. Okay. So, this is how you have to promote your child. And every child has got some talent or the other. You do not know, you know. So, the mother who is spending most of the time with the child, she should be a mother who can judge the talent of the child. Okay. And for example, I would say, my daughter, she's got a very good voice, and I was after her to be put in the music. And I said, come what may, I will see that she becomes a singer. The picture ke baare mein bolenge hum log aise. Keep silence! Just 2 minutes, students. Sir, बच्चे के साथ शुरुआत कीजिए, अपना बताइए क्या कहना चाहेंगे आप सेक्रेटरी मिनिस्टर हैं मॉन्टू की बातें जो बनाई है विक्रांत सर ने, एक चाइल्ड डिप्रेशन की शुभ बड़ा इशू आज के टाइम में, तो क्या कहना चाहेंगे, कितना अच्छा इनिशिएटिव आपके तरफ से? ये विक्रांत सर ने जो टॉपिक चुना है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. जैसे मैं पेडियाट्रिक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हूँ, तो ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट होती है. जैसे मेरे पास सभी बच्चे आते हैं तो उनका एज होता है नियर अबाउट 12 साल 15 साल, तो उनके कंप्लेंट्स लिखे थे पेरेंट्स कि ये बहुत गुस्सा करता है, या तो इसे गुस्सा आता है तो ये चीज़ फोड़ देता है, किसी के साथ झगड़ा करता है. तो वो हमें देखने में अभी का प्रॉब्लम लगता है, बट एक्चुअली उसकी शुरुआत उसके बचपन से शुरू होती है. जैसे वो छोटा होता है तब हम वो छोटा है करके हम उसको छोड़ देते हैं, बट वो आदत जैसे पड़ते जाती है तो उसके बाद उसका नेचर डेवलप होता है. जैसे विक्रांत सर ने ये टॉपिक चुना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे ब्रेन पॉजिटिव प्रोग्रामिंग, तो जैसे आजकल ऐड आते हैं कि कोडिंग के बारे में या तो कंप्यूटर कोडिंग के बारे में, तो वो सेम कोडिंग अपने ब्रेन में होना बहुत ज़रूरी है. जब हम बचपन से बच्चे को उसकी जो क्या सही है क्या गलत है हम बताएंगे उसको, तो ही वो बच्चा बड़े होने के बाद उसका नेचर अच्छा डेवलप होगा. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. और ये प्लेटफॉर्म जैसे भारत टॉकीज का जो प्लेटफॉर्म दिया है विक्रांत सर ने, वो बहुत ज़रूरी है. क्योंकि जैसे मैं डॉक्टर हूँ, मेरे भी कुछ थॉट्स होते हैं, मुझे भी कुछ बताना होता है, बट वो मैं बता नहीं पाता हूँ. तो जैसे विक्रांत सर ने सोचा और उन्होंने करके दिखाया, वो बहुत ज़रूरी है और बहुत अच्छा इनिशिएटिव है. ओके, तो पेरेंट्स का मैं सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करता हूँ कि उन्होंने ये पिक्चर देखना बहुत ज़रूरी है. क्योंकि जब तक आप खुद नहीं समझोगे कि बच्चों को क्या समझाना है, तब तक आपको नहीं समझेगा तो आप बच्चों को नहीं समझा पाओगे. और ये पिक्चर के ज़रिए तो एंटरटेनमेंट है, तो आप खुद पेरेंट्स अपने बच्चों को लेके जाओ, उनके वो मूवी देख के वो समझेगा उनको, वो समझने के बाद आप भी कुछ उस थॉट्स वो मूवी से लेके आप वो थॉट्स वो बच्चों तक पहुँचा सकते हो. जैसे हम आजकल क्या होता है, मतलब जो लोग बोल रहे हैं वो सिर्फ हम सुनते हैं. जैसे करेले की सब्जी है, सबको लगता है कि कड़वी होती है. 90% लोग बोलते हैं कि करेले की सब्जी मुझे नहीं खाना, कड़वी होती है. बट उसमें से 80% लोगों ने कभी खाई नहीं होती है, सिर्फ वो सुना होता है कि कड़वी होती तो मुझे नहीं खाना है. तो वो थॉट्स अपने डेवलप होते हैं हम आजू बाजू का देख के. तो आजू बाजू में आपको देखना है कि उसके आजू बाजू में लोग कैसे हैं, उसका सराउंडिंग कैसा है, उसका फ्रेंड सर्कल कैसा है, वो बहुत मैटर करता है. तो इसके लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सभी पेरेंट्स से कि आप जाओ मोंटू की पल्टन आप मूवी देखो, वो बहुत अच्छी है, और आप उससे कुछ सीखो और आपके बच्चों को भी सिखाओ. व्हाट अबाउट द भारत टॉकीज, भारत टॉकीज, हाँ, इसकी जर्नी के बारे में थोड़ी सी बताएं हमें, जानकारी दें हमारे दर्शकों को, कैसे शुरू हुआ ये भारत टॉकीज और कैसे जहन में आया कि हाँ इस तरीके का भी एक प्लेटफॉर्म बनाया जाए जहाँ बच्चों को, केवल बच्चों को प्रमोट किया जाए, उसके बारे में? जी, मतलब मैं भारत टॉकीज के बारे में बताना चाहूँगा कि ये भारत टॉकीज जो प्लेटफॉर्म है, इसको ओपन करने में सबसे जो बड़ा हाथ रहा है वो मेरी टीम का रहा है. जिस टीम के अंदर ब्रिजेश गुनानी, ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है इसमें का, क्योंकि वो ये सर है जिनके वजह से ये फिल्म फेस्टिवल है जिसकी हम लोग शुरुआत की है. और इसकी शुरुआत अगर हम नहीं करते तो शायद भारत टॉकीज तक हम नहीं पहुंच पाते. तो थैंक यू सो मच सर कि आपकी वजह से मैं भारत फिल्म फेस्टिवल शुरू कर पाया. और ये भारत फिल्म फेस्टिवल शुरू करने के बाद में जो भारत फिल्म फेस्टिवल जो फिल्में आने लगी सामाजिक मुद्दों पर, तो मुझे ऐसा लगा कि ये फिल्में लोगों तक पहुँचाने के लिए प्लेटफॉर्म होना चाहिए, और उस प्लेटफॉर्म को हमने बनाया. और इस प्लेटफॉर्म को बनाने में मेरे बहुत ही जिगरी दोस्त हैं रज़ा,
जो अभी यहाँ पे आए हुए हैं लेकिन वो थोड़ा मॉडलों के साथ में बिजी है, पहली बार आए हैं, तो उन्होंने काफ़ी इसमें सपोर्ट किया और दिन रात कड़ी मेहनत के बाद में उन्होंने इस प्लेटफॉर्म को बनाया गया। तो ये भारत टॉकीज जो प्लेटफॉर्म है ये सोशल फिल्म मेकरों के लिए बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म है और इसको सिर्फ मंथली 8 रुपीज़ और 10 रुपीज़, 8 to 10 रुपीज़ पर मंथ सब्सक्रिप्शन के ऊपर हम लोग ने ये अवेलेबल किया है। तो मैं चाहता हूँ कि अगर इस समाज को बदलना है तो आप भारत टॉकीज को सब्सक्राइब करें और समाज के अंदर एक अलग परिवर्तन करें। कितने कॉन्टेंट अभी अवेलेबल है भारत टॉकीज पे और कितने आने वाले हैं और थोड़ी सी उसके बारे में? अभी तो हम लोग ने इसका जो ओपनिंग किया है अराउंड 68 कंटेंट से इसका ओपनिंग किया हुआ है, अभी ऐप अवेलेबल है प्ले स्टोर पे और ये 68 कंटेंट शायद ये हम 6000 कंटेंट तक लेके जाए। जैसे कि अभी हमसे जो जुड़े हैं, हमने शुरुआत की थी इंडिया से लेकिन आज हमारे पास में 300 फिल्म्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड भारत टॉकीज में आ चुकी है जो वर्ल्ड का फर्स्ट सिनेमा लोगों को देखने मिलेगा। ओके, कोई अगर भारत टॉकीज से जुड़ना चाहता है या आपसे आपसे संपर्क करना चाहता है कैसे करें और क्या प्रोसीजर है उसका भारत टॉकीज से जुड़ने का? भारत टॉकीज से जुड़ने के लिए सिर्फ एक ही प्रोसीजर हम लोग ने रखा हुआ है, ये प्रोसीजर ये कि आपकी फिल्में सामाजिक मुद्दे पर होनी चाहिए या तो आपकी फिल्मों के अंदर एंटरटेनिंग होना चाहिए। रहा सवाल उनके रेवेन्यू का पार्ट भी है, हमने जो 75% रेवेन्यू हम लोग मेकर्स को दे रहे हैं ताकि वो और इस तरीके की फिल्में बनाएं। भारत टॉकीज के ऊपर आपको प्रोजेक्ट आप मेल कर सकते हो, आपका कंटेंट भेज सकते हो और भारत टॉकीज की सबसे बड़ी खासियत यह है कि आप अगर भारत टॉकीज से एसोसिएट होते हो और आपकी फिल्में अगर भारत टॉकीज बताता है, अप्रूव होता है, तो आपकी आने वाले सारे कंटेंट्स को भारत टॉकीज खुद प्रोड्यूस करेगा। ओके, वेरी गुड। प्रिया, कुछ आप शेयर करना चाहेंगे भारत टॉकीज को लेके, बनने से लेके, चलने से लेके अब तक का जो जर्नी है और आगे क्या प्लान है, कुछ शेयर करना चाहेंगे प्रिया? बेसिकली भारत टॉकीज का आइडिया तो हमें लॉकडाउन में आया, लॉकडाउन में हमें बहुत कुछ सिखा दिया, हमें उससे प्यार करना भी सिखा दिया। लॉकडाउन में हम 6 महीने घर पे अकेले थे तो हमारे एक बार में ऐसे आइडियाज आते रहे तो भारत टॉकीज का आइडिया वहीं से आया। बेसिकली भारत टॉकीज जो हमारा ऐप है, ओटीटी चैनल है, वो प्योरली सोशल मैसेजेस के ऊपर ही है। ऐसे बहुत सारे मूवीज़ हैं जो दुनिया के अलग अलग कोने से बहुत सारे लोग बनाते हैं लेकिन वो पब्लिक तक पहुंच नहीं पाती, वो फेस्टिवल तक ही रह पाती है। इसलिए सर के दिमाग में ये आइडिया है कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे वो जो मैसेज वाली फिल्में हैं जो पब्लिक तक पहुँच पाए। तो हमने भारत टॉकीज ओटीटी ऐप खोला और हमारे ऑलरेडी बहुत सारी फिल्में आ रही हैं जो सोशल मैसेज देती हैं हमारे सोसाइटी को। तो अभी बहुत सारी फिल्में आ चुकी हैं, बहुत सारी फिल्में आ भी रही हैं, उसका भी हमारा प्रोसेस स्टार्ट है। तो फिलहाल हमने जैसे सर ने बोला 68 कंटेंट हमारे ओटीटी चैनल पे अभी अवेलेबल है, आगे अभी ऐसी बहुत सारी फिल्में भी आने वाली हैं जो जिसका रोल यही होगा कि वो हमारी सोसाइटी को एक मैसेज दे जिससे हम बहुत कुछ लर्न कर सकें हमारी लाइफ में और सोसाइटी के लिए। कितने लोगों ने डाउनलोड किया है, कितना माल आ चुका है अंदर? माल तो जैसे कि आप जानते हैं हमारा लॉन्चिंग इवेंट है लेकिन डाउनलोड्स की बात करें तो पब्लिक से रिस्पांस अच्छा मिल रहा है, आगे और भी अच्छी की उम्मीद है क्योंकि हमारा जो मिनिमम हमारा जो कॉस्ट है बहुत ही मिनिमम है, 49 रुपीज़ पर मंथ है, 99 रुपीज़ फॉर सिक्स मंथ का मेम्बरशिप है हमारा। तो हमें उम्मीद है कि हमें पब्लिक से ऐसे बहुत सारे सब्सक्रिप्शन आए और हम आगे भी और सारे कंटेंट पब्लिक को देखें। तो मित्रों के लिए कुछ अपने जैसे फ्रेंड्स के लिए फ्री है क्या चार्जेस क्या, सबको पैसा भरना पड़ेगा अपने जैसे लोगों को? जैसे हमें मीडिया की बात करो, मीडिया ऑर्गेनाइजेशन और स्कूल के प्रिंसिपल्स इनके लिए ये ऐप फ्री में उपलब्ध है ताकि मीडिया वाले जो है वो हमको भारत टॉकीज में मेल डाले, उनको फ्री सब्सक्रिप्शन दिया जाएगा। एनजीओ ऑर्गेनाइजेशन और जो स्कूल के प्रिंसिपल्स हैं उन सारे लोगों को ये ऐप हम लोग ने फ्री ऑफ कॉस्ट रखा गया है और इसके अंदर कोई चार्जेस नहीं है। ऐप की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ब्रेन पॉजिटिव प्रोग्रामिंग, ये जो कंटेंट है बच्चों से रिलेटेड, ये सारे हिंदुस्तानियों के लिए टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। कोई भी सब्सक्राइब करे और अपने बच्चों के लिए जो परवरिश अंदर जो बातें हमारी डॉक्टर्स की टीम हमसे जुड़ी हुई है वो आपको डायरेक्टली इंट्रैक्ट करेगी, इसके अंदर कोई पैसे का कोई चार्ज कोई ट्रांजेक्शन नहीं है। ओके, ब्रिजेश जी कुछ शेयर करेंगे भारत टॉकीज के लिए अबाउट द मोदी जी? तो बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा इस काम के लिए, बस मैं और क्या ये मेरे जो दोस्त हैं इनका जो काम है ये काम करने में बहुत एक्सपर्ट है। जैसे चार्ली चैपलिन थे, एक भी डायलॉग देता लेकिन लोग हंसाते थे, इनके भी डायलॉग्स होते नहीं है, म्यूट होते हैं लेकिन इनके जो काम है
वो हमारे फॉर्म में, समाज सेवा के फॉर्म में, हमारे टीम के फॉर्म में बातें करती है। तो शायद सर का ये बचपन से ये है कि उनका शाइनेस है तो ये बात नहीं कर पाते हैं। चलिए, विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। देखिए, ये जो प्रोजेक्ट है और ये प्रोजेक्ट है बच्चों की पॉजिटिव ब्रेन को नामी क्यों है, जैसे कि हमारे आसपास जो है बहुत सा नेगेटिव जो है मतलब एनर्जीज है जो कि बच्चों को जो है मतलब डिस्टर्ब भी करता है, बच्चे उसमें जो है मतलब रस्ते भी। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये पॉजिटिव प्रोग्रामिंग ऊपर है कि कैसे बच्चे अपने आप को तैयार करें। वैसे हम गार्जियन ऐसा सोचते हैं जैसे हमारा ब्रेन है वैसे ब्रेन बच्चों का होगा, मतलब हम सोचते हैं कि जितने समझदार हम हैं उतने ही समझदार बच्चे होंगे, ये जो है चीज़ें वो समझते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। बिल्कुल इसका होता है कि बच्चे बिल्कुल नाजुक होते हैं, उनको आप कैसे उनको आपको समझना पड़ता है, लेकिन आज के पेरेंट्स जो है उनके पास उतना टाइम है ही नहीं कि बच्चों को टाइम दे सकते, लेकिन टाइम देना चाहिए बिकॉज वो आपके बच्चे हैं। उसके ऊपर है फिल्म, ये तो उन्होंने जब ये शुरू किया था तो मैं भी इन्वॉल्व हुई थी सर, मैंने स्क्रीन को जो है उसका लिखा और करते हुए जो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं कुछ तो अच्छा जो है अपनी लाइफ में जो है कर रहा हूँ।